आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता है। उन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल और दमदार अभिनय से फिल्म जगत में एक खास मुकाम हासिल किया है। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था। आमिर के पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनके चाचा नासिर हुसैन बड़े फिल्म निर्देशक। आमिर का करियर कभी भी उतार चढ़ाव भरा नहीं रहा। अपने शुरुआती दिनों में भले ही उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया, पर जो जीता वही सिकंदर के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आमिर खान ही वो शख्स नजर आते हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी बॉलीवुड फिल्मों से लोगों का परिचय कराया। उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे किस्से जो शायद बहुत कम लोगों को पता होंगे। साल 2007 में आमिर खान का स्टैचू लंदन के मैडम तुसाड में लगने वाला था। उन्हें इस दौरान स्टैचू के इनॉग्रेशन के लिए भी बुलाया गया, पर आमिर उस समय फिल्म तारे जमीन पर की शूटिंग में व्यस्त थे और उन्होंने वहां आने से साफ इनकार कर दिया। कुछ इसी तरह का समर्पण आमिर खान द्वारा हर फिल्म में देखने को मिलता है। साल 1990 में आमिर खान ने देवानंद की फिल्म अव्वल नंबर में भी काम किया था। आमिर फिल्म को याद करते हुए बताते हैं कि ये उनके करियर की एक लौटी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट पढ़े बिना उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी थी। बॉलीवुड में तीनों खान सलमान, शाहरुख और आमिर की तगड़ी विश्व भर में चर्चित हैं। इन तीनों के विश्व भर में करोड़ों फॉलोवर्स हैं। शाहरुख और सलमान कुछ फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा आमिर और सलमान भी फिल्म अंदाज अपना अपना में साथ काम करते नजर आ चुके हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने साथ काम किया हो। राजकुमार संतोषी फिल्म लंदन ड्रीम्स में शाहरुख और आमिर को कास्ट करना चाहते थे, मगर किन्हीं कारणों से ऐसा हो नहीं पाया और फिल्म में सलमान खान और अजय देवगन को ले किया गया। इसके अलावा शाहरुख की फिल्म जोश में भी पहले चंद्रचूड़ सिंह का रोल आमिर को ऑफर किया गया था, पर आमिर ने यह कहकर फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि वो चॉकलेटी हीरो के काफी रोल्स प्ले कर चुके हैं और ऐसे रोल्स अब नहीं प्ले करना चाहते। आमिर खान शराब के शौकीन नहीं है, मगर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने तेरे इश्क में नाचेंगे के लिए उन्होंने 1 लीटर वोडका पी डाली। आमिर फिल्मों में परफेक्ट सीन फिल्माने के लिए जाने जाते हैं। इस गाने को पूरे फील में लाने के लिए आमिर ने ऐसा किया था। आमिर फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी भी तरह की डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते और वो पूरी तरह से फिल्म पर अपना फोकस रखते हैं। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब 2007 में उन्होंने फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम के गाने में गेस्ट अपीयरेंस देने से मना कर दिया था। गाने में सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन जैसे बड़े कलाकारों ने गेस्ट अपीयरेंस दी थी। आमिर खान ने अपने पिता ताहिर हुसैन के निर्देशन में बनी सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम तुम मेरे हो था। इसमें आमिर के अपोजिट जूही चावला ने अभिनय किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी।